तो आज के स्ट्रीमिंग सर्विस के नए नए लफड़ों में आपका स्वागत है, जहां पर हम उम्मीद करते हैं कि HBO Max से कोई अच्छी न्यूज आए, ससुरा बुरी ही आती है। अब ये डिस्नी प्लस को कम्पीट कैसे करेंगे? तो मैं बता दूं हुआ क्या, वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी ने डिसाइड किया था कि वो अपने डिस्कवरी प्लस और HBO Max को मर्ज कर देंगे। अब वो नहीं होने वाला, मतलब होगा तो, पर डिस्कवरी प्लस अलग रहने वाला है। अब मैं बता दूं जो भी हुआ है उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और फैक्ट्स हमारे ब्लॉग पे अवेलेबल हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो डिस्कवरी प्लस का कुछ ऐसा चल रहा था कि सस्ती स्ट्रीमिंग सर्विस थी, ऑपरेट करने में चार्जेस कम लग रहे थे लेकिन प्रॉफिट ज्यादा कमा रही थी, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद करते हैं मेरे जैसे, ना कि कोई फैंसी सूट। मेरे कहने का मतलब था अगर दोनों स्ट्रीमिंग सर्विस मर्ज होती हैं तो बेसिकली इनकी प्राइस बढ़ेगी, महंगी होगी। तो जो लोग डिस्कवरी प्लस देखना चाहते हैं उनको HBO Max से कोई मतलब नहीं है, उनको ज्यादा पैसा देने पड़ेगा, और ऐसे लोगों की गिनती 20 मिलियन लोग हैं। अब देखो वार्नर ब्रदर्स के वैसे ही दिन अच्छे नहीं जा रहे, और दोनों को मर्ज करके जो डिस्कवरी प्लस प्रॉफिट्स कमा रहा है उसको भी वो किल तो नहीं करना चाहेंगे, बट उनको अगर सर्वाइव करना है इस कॉम्पिटिशन में तो HBO Max के प्राइसेस भी बढ़ाने पाएंगे, वो भी डिस्कवरी प्लस के कॉन्टेंट के बिना। इसलिए मुझे नहीं पता क्यों HBO Max अभी भी एक नई स्ट्रीमिंग सर्विस बनने जा रहा है और उसके प्लान जल्दी ही रिवील किए जाएंगे। HBO Max महंगा हो जाएगा पर उसमें डिस्कवरी प्लस का भी कॉन्टेंट मिलेगा, जबकि डिस्कवरी प्लस एक अलग स्ट्रीमिंग सर्विस भी रहेगी। समझ पा रहे हो, ये लोग डिस्कवरी प्लस को एक चीप अल्टरनेटिव बना रहे हैं HBO Max का, जहाँ पे आपको HBO Max में भी डिस्कवरी प्लस मिल जाएगा और डिस्कवरी प्लस अलग से भी मिल जाएगा, जो कि अच्छा प्लान है बाय द वे, क्योंकि इंडिया में भी डिस्कवरी प्लस काफी सस्ता है और कंटेंट मजेदार है यार, मैं खुद यूज करता हूँ, अच्छी स्ट्रीमिंग सर्विस है और इनका यूजर इंटरफेस भी मुझे बहुत पसंद आया, अच्छा वर्क करता है। पॉइंट ये है कि इंडिया में जो हमारे सपने थे कि डिस्कवरी प्लस रीब्रांड हो जाएगा, HBO Max इंडिया में आ जाएगा, वो अब नहीं होने वाला है। भले ही HBO Max जल्दी ही एक न्यू रीब्रांडेड स्ट्रीमिंग सर्विस बनने वाली है डिस्कवरी प्लस के बिना ही, पता नहीं क्यों कर रहे हैं ये लोग, प्रोबेबली अपने प्राइसेस बढ़ाने के लिए, पर इंडिया में तो हमारा प्राइम वीडियो और डिज्नी प्लस हॉटस्टार ही सहारा है। यार अब मैं HBO Max को ना इंडिया में देख भी नहीं रहा, क्योंकि वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी एक ब्रोक कंपनी है, ये मतलब अपने एसेट्स बेचते जा रहे हैं अपनी कंपनी को चलाए रखने के लिए। कई लोगों का तो ऐसा भी मानना है कि डिस्कवरी अब वार्नर ब्रदर्स को खरीद के पछता रही है और वो 2025 तक वार्नर ब्रदर्स को बेचना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस अभी से अलग रख रहे हैं। आप कुछ सोचो, एक कर्जे में डूबी हुई कंपनी जिसका एंटरटेनमेंट में अभी हाथ ढीला चल रहा है, वो इंडिया जैसे कॉम्पिटेटिव मार्केट में अपनी नई स्ट्रीमिंग सर्विस रिलीज करना चाहेगी? मुझे नहीं लगता भैया, ना भाई ना। पर यहां से अब HBO Max को अपने लाइसेंस इशू कर देने चाहिए डबिंग वाले इंडिया में, ताकि प्राइम वीडियो और डिज्नी प्लस हॉटस्टार अपना कॉन्टेंट हिंदी में दिखा पाए। आज की वीडियो में इतना ही, अगर इस लो एफर्ट वीडियो को देख के मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारा व्लॉग तो जरूर चेकआउट कर लो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर इंडिया, हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करना। मैं घर पे आगे मारूंगा, मजाक कर रहा हूँ, मेरे खुद के घर से निकलने की औकात नहीं हो रही है अभी।